गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ रिशिका, और आज अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं इन्वायरमेंट, जो कि हमारी शंकर IAS एकेडमी की बुक है। तो काफ़ी लेसन हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अभी हम लोग पार्ट सेकंड देख रहे हैं। आप लोग इंडेक्स ज़रूर देखते रहिए, जिससे कि आप लोग इसमें बेटर ये आप कर सकते हो, बेटर देख सकते हो कि कौन सी यहाँ पे चैप्टर मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ और कौन सी आपकी बच चुकी है। तो पार्ट सेकंड हम लोग कर रहे हैं, जिसमें कि बायोडाइवर्सिटी है। तो ये सारी चैप्टर मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में आकर आप लोग स्टार्टिंग से देख सकते हो। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क भी मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंजर्वेशन एफर्ट्स। ओके, तो कंजर्वेशन एफर्ट्स में आप लोग जानते हो कि प्रोजेक्ट टाइगर हो गई, या प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गई, या फिर वन हॉर्न राइनोज है, वल्चर है। तो ये सारी कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको भी पता है कि अब हम लोग यहाँ पे भी विजनाइज करेंट अफेयर्स में भी इन्वायरमेंट सेक्शन में पढ़े थे कि प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जा रहा है। तो हमारे कंट्री के साथ साथ और भी कंट्री में इसको स्टार्ट की जा रही है। तो ये सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 16, जो कि है हमारी कंजर्वेशन एफर्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहले जो कंजर्वेशन एफर्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारी प्रोजेक्ट टाइगर। ओके, तो एक पोटेंशियल एग्जांपल अगर हम लोग कंजर्वेशन का देखें तो सबसे ज़्यादा जो हाईली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है हमारे इंडिया में, तो वो है हमारी इंडियन टाइगर, जिसको कि हम लोग पैंथेरा टिग्रिस भी कहते हैं। इसकी एक साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टिग्रिस, तो ये भी आपको याद रखना है। तो जो टाइगर के नंबर में आप देखोगे कि कभी फॉल होती, कभी राइज होती, कभी बढ़ती, कभी घटती टाइगर के पॉपुलेशन में, तो ये एक तरीके का इंडेक्स है जिसमें कि हम लोग कंजर्वेशन एफर्ट्स लेकर आते हैं। तो कंजर्वेशन एफर्ट्स की ज़रूरत क्यों है? कंजर्वेशन एफर्ट्स की ज़रूरत इसलिए पड़ती है जिसके थ्रू जो हमारी पॉपुलेशन है, स्पीसीज की जो पॉपुलेशन है, उसको या तो हम लोग मेंटेन करके रख सके, या तो हम लोग उसको इंक्रीज करें, उसको एक्सटेंट होने से बचाना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग के यहाँ एस्टिमेट किया जा रहा है कि इंडिया में 40,000 टाइगर जो है 1900 में थी, उसके बाद नंबर जो है डिक्लाइन हो गई और 1800 जो है आज के डेट में आपको देखने को मिलेगा 1972 में, यानी कि 1972 में 1800 ही टाइगर बच के रह गई हैं। तो इसलिए यहाँ पे 1973 में क्या हुआ कि इतनी ज़्यादा फास्टर रेट से जो है हमारी टाइगर की पॉपुलेशन डाउन होती जा रही है। तो इसलिए 1973 में इसी को देखते हुए प्रोजेक्ट टाइगर जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की जैसा इसको चलाया गया। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कहने का मतलब है कि सेंटर के द्वारा इसको स्पॉन्सर किया जा रहा है। इसमें जो फंड की कॉन्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी देगी और स्टेट गवर्नमेंट भी देगी। ओके, तो यहाँ पर जो ये इसकी ऑब्जेक्टिव थी प्रोजेक्ट टाइगर की, कि हम लोग को मेनटेन करना है जो भी आज के डेट में अवेलेबल है पॉपुलेशन की, टाइगर की पॉपुलेशन, उसको मेनटेन करना है, वो भी साइंटिफिक, इकोनॉमिक, एस्थेटिक, कल्चर और इकोनॉमिक वैल्यू के लिए। साथ ही हम लोग को ऑल टाइम जो है इसको प्रिजर्व करके रखना है, और कुछ एरिया जो कि बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है हमारे नेशनल हेरिटेज के लिए, जिसके थ्रू जो लोग हैं उनके इंजॉयमेंट के लिए बेनिफिट हो और एडुकेशन के लिए भी ये बेनिफिट हो। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर की अगर हम लोग एम देखें तो सबसे पहली है कि हम लोग को जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है उनको कंजर्व करनी है, साथ ही जो ट्राइबल पीपल्स की जो राइट है उसको यहाँ पर हार्मोनाइज करनी है, वो भी यहाँ पर टाइगर रिजर्व के सराउंडिंग्स। तो आप यहाँ पे देखते हैं कि टाइगर रिजर्व्स भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से टाइगर की पॉपुलेशंस को रिमेन वैसे ही स्थित रखने के लिए, या फिर उनके टाइगर की पॉपुलेशंस को बढ़ाने के लिए टाइगर रिजर्व्स स्टार्ट किया गया। टाइगर रिजर्व्स एक तरीके का आपको देखने को मिलेगा प्रोटेक्टेड एरिया है, जिसमें कि टाइगर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा था, और इसमें जो है इसको प्रोजेक्ट टाइगर के थ्रू ये गवर्न की जा रही थी, और 1973 में इसको लॉन्च किया गया था। तो टाइगर रिजर्व्स इसलिए आया है, इसलिए आप लोगों को पता है कि हमारे कंट्री में बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स हैं। इनिशियली आप लोगों को पता है कि 9 टाइगर रिजर्व्स जो है वो कवर की गई थी इस प्रोजेक्ट के अंदर, और फिर बाद में ये इंक्रीज़ होते होते 42 हो चुकी है, और ये 17 स्टेट्स में आपको टाइगर रिजर्व्स देखने को मिलेगा। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी यहाँ पर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के रिकमेंडेशन के द्वारा जो है कुछ कुछ एरिया को यहाँ पर टाइगर रिजर्व्स जैसे नोटिफाई किए। और टाइगर रिजर्व्स में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? तो 3 जोन आपको देखने को मिलेगी। एक है कोर जोन। तो कोर जोन में क्या है कि क्रिटिकल ये टाइगर हैबिटाट है, जहाँ पर टाइगर रहते हैं उन सारे एरिया को यहाँ पर जो है टाइगर रिजर्व्स दे दिया गया। साथ ही वो सारे एरिया जहाँ पर ज़रूरत है कि यहाँ पर टाइगर रिजर्व्स का जो यहाँ पर कंजर्वेशन का जो पर्पस है वो यहाँ पर हो सके बिना किसी शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों के राइट्स को अफेक्ट करते हुए। साथ ही ये सारी एरिया है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे नोटिफाई की जाती थी, और यहाँ पे जो कंसल्टेशन दिया जाता था वो एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा दी जाती थी। सेकंड जो जोन है वो है बफर जोन। बफर जोन में आप लोगों को पता है कि इसका एम है कि यहाँ पे को एग्जिस्टेंस प्रोवाइड करनी है जितनी भी वाइल्ड लाइफ है और ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। साथ ही यहाँ पे जो लाइवलीहुड है, डेवलपमेंट है, सोशल है, कल्चर राइट्स जो लोकल पीपल्स का होता है उसको भी रिकॉग्नाइज करनी है। कुछ एरिया में लिमिट्स लगाई गई जो कि यहाँ पे साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेसिस पर डिटरमाइन किया गया है। साथ ही यहाँ पे आप लोग देखोगे कि टाइगर रिजर्व्स की जो बाउंड्री है ना, वो
वो यहाँ पे अल्टर नहीं की जा सकती है। और यहाँ पे रिकमेंडेशन जो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा दिया जाता है। कोई भी यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है ना डी नोटिफाई नहीं कर सकती है किसी भी टाइगर रिजर्व्स को। इट मीन्स कि एक बार अगर टाइगर रिजर्व्स यहाँ पे घोषित कर दिया गया तो वापस से इसको डी नोटिफाई नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट के। अगर पब्लिक लोग कह दे कि नहीं यहाँ पे टाइगर रिजर्व्स नहीं होनी चाहिए, वहाँ के स्किड्यूल ट्राइबल्स वाले जो लोग हैं वो अगर कह दे कि उनका राइट्स का हनन हो रहा है, वायलेट हो रही है, तो फिर वहाँ पर जो टाइगर रिजर्व्स है उसको फिर डी नोटिफाई कर दिया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे टाइगर रिजर्व्स की बात हो रही है और हम लोग टाइगर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की बात नहीं करें तो ऐसा तो हो नहीं सकता। इस अथॉरिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो अमेंडमेंट एक्ट है 206 2006, यहाँ पे हमारे स्टैटूटरी अथॉरिटी एक बनाई गई जिसका नाम है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसमें कि कुछ यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन रखा गया कि किस तरीके से टाइगर के पॉपुलेशन को कंजर्व करना है। तो यहाँ पे जो इनकी पावर और फंक्शंस है ना वो यहाँ पे आपको बताती हूँ। जो यहाँ पे टाइगर कंजर्वेशन प्लान जो यहाँ पे अप्रूव किया जाता है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। साथ ही यहाँ पे बहुत सारे एस्पेक्ट है कि किस तरीके से सस्टेनेबल इकोलॉजी होनी चाहिए, यहाँ पे कोई भी इकोलॉजिक अनसस्टेनेबल लैंड यूज़ को यहाँ पे डिसअलाउ करना है, यानी कि टाइगर रिजर्व्स के पास कोई भी इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए, माइनिंग एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए, दूसरी प्रोजेक्ट नहीं होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पे नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड होनी चाहिए, टूरिज्म एक्टिविटी जो है अच्छे से यहाँ पे नॉर्मेटाइज रोल पे होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे अच्छे खासे गाइडलाइन प्रोवाइड करना चाहिए प्रोजेक्ट टाइगर के लिए। साथ ही यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए कि किस तरीके से हम लोग प्रोटेक्शन जो मेजर्स ले रहे हैं, जैसे कि फ्यूचर में आने वाले दिनों में कैसे कंजर्व करना है, कैसे हम लोग को यहाँ पे एस्टिमेट करना है कि टाइगर की पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, इनकी नेचुरल प्रे स्पीसीज कितनी है, हैबिटाट का क्या स्टेटस है, डिजीज़ किस तरीके से इनको होती है, मोर्टेलिटी सर्वे करना है कि कितने टाइगर यहाँ पे मर रहे हैं डिजीज़ से लेकर। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे टाइगर रिजर्व्स को इंश्योर किया जाएगा कि यहाँ पे आपकी जो एरिया यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया से लिंक किया गया, टाइगर रिजर्व से लिंक किया गया, तो वो भी यहाँ पे होनी चाहिए। यहाँ पे जो टाइगर रिजर्व्स की जो मैनेजमेंट है उसको सपोर्ट करना है, वो भी स्टेट में और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इनिशिएटिव के थ्रू। साथ ही यहाँ पे क्रिटिकल सपोर्ट करना है, जैसे कि यहाँ पे साइंटिफिक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, लीगल सपोर्ट है कि किस तरीके से टाइगर कंजर्वेशन प्लान जो है ना वो यहाँ पे बेटर इंप्लीमेंट हो सके। साथ ही अगर बात करें तो यहाँ पे फैसिलिटेट करना है जो भी ऑन गोइंग कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, जिसके थ्रू जितने भी ऑफिसर्स और स्टाफ है टाइगर रिजर्व्स के उनकी स्किल डेवलपमेंट हो सके। सेकेंड चीज़ है कि हम लोग को टाइगर पॉपुलेशन को एस्टिमेट कैसे करना है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है कि हम लोग नंबर ऑफ टाइगर्स को यहाँ पे एस्टिमेट करें, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे टाइगर सेंसस के अंदर रखें। जैसे कि पता है कि हम लोग का पॉपुलेशन सेंसस भी होता है, जनगणना होता है, और हर एक 10 साल में होता है, और इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है उसको यहाँ पे काउंट किया जाता है। वैसे यहाँ पे टाइगर सेंसस किया जा रहा है कि नंबर ऑफ टाइगर्स कितने अवेलेबल है उनको यहाँ पे काउंट करने के लिए टाइगर सेंसस लाया जा रहा है। ये जो एक्सरसाइज है ये हमें प्रोवाइड करती है एक टाइगर जो नंबर है उसकी एस्टिमेट को, डेंसिटी को, साथ ही जो टाइगर के इंडाइसेस से उसमें क्या चेंजेस आया है, ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेगी। साथ ही यहाँ पे आप देखोगे कि नंबर ऑफ टाइगर को एस्टिमेट करने के साथ साथ जो मेथड है वो यहाँ पे और भी हेल्प करती है कि किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करें कि टाइगर के पॉपुलेशन की डेंसिटी कितना है और इसके एसोसिएटेड प्रे कितने हैं। साथ ही साथ जो मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक है इस तरीके के वो है पग मार्क सेंसस टेक्निक। पग मार्क सेंसस टेक्निक कहने का मतलब है कि यहाँ पे टाइगर की जो यहाँ पे पैरों की जो छाप होते हैं ना उसको यहाँ पे जो सरकार है या फिर जो यहाँ पे सेंसस के लिए जो नंबर ऑफ टाइगर्स को यहाँ पे काउंट करते हैं, तो वो सारे जो लोग हैं ना वो पगमार्क के हिसाब से जो है ना वो यहाँ पे काउंट करते हैं कि कितने टाइगर है। तो ये पहले किया जाता था, पगमार्क सेंसस टेक्निक है जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव टेक्निक देखने को मिलती थी, और ये पगमार्क से यानी कि जो टाइगर के पैरों के निशान थे उससे ये समझ जाते थे कि कितने नंबर ऑफ पॉपुलेशन है टाइगर के। ओके, 2010 की अगर असेसमेंट मेथडोलॉजी देखें, हालांकि ये आज के डेट में इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हल्का सा मैं आपको बता देती हूँ कि ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन एक्सरसाइज है जो वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल कंपोनेंट है हमारे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एफर्ट्स का। तो 2006 से आप देखोगे तो इस तरीके की मॉनिटरिंग एक्सरसाइज जो है ना वो हर 4 साल में होती है, यानी कि ये जो टाइगर आपको असेसमेंट देखने को मिलेगा ये हर 4 साल में होती है, प्रोजेक्ट टाइगर भी। तो इस तरीके से 2010 से ये चलते आ रहा है और हर एक 4 साल में जो है यहाँ पे एस्टिमेट लगाया जाता है कि पॉपुलेशन ऑफ टाइगर कितनी बढ़ी है कितनी घटी है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको जानने की जरूरत नहीं है, फेज 4 है, फेज 5 है, क्योंकि अभी आपको जो लेटेस्ट होगा ना आपका प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड उसके बारे में आपको पढ़ना है, और एग्जाम में भी क्वेश्चंस आपको उसके बारे में पूछा जाएगा। बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। जैसे कि टाइगर पॉपुलेशन एस्टिमेट है तो यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा कि एक रोबोस्ट मेथड है जो कि यहाँ पे आपको 2006 और 2010 में बनाया गया था, वो भी आज के डेट में यूज़ होता है। अब डू यू नो फैक्ट्स में आते हैं। अगर टाइगर की हम लोग लाइफ स्पेन देखें तो 10 से 15 साल होती है वर्ल्ड में, और ये 20 साल तक भी जी सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये हाईली अडेप्टिव होते हैं, यानी कि किसी भी इन्वायरमेंट के भी किसी भी जगह पे चले जाते हैं तो उस तरह की उस इन्वायरमेंट को वो अडॉप्ट कर लेते हैं,
और रेंज अगर आप देखोगे तो सिबेरियन टाइगा से लेकर ये ओपन ग्रासलैंड भी रहते हैं, ट्रॉपिकल मैनग्रोव स्वैम्प पे भी रहते हैं। तो टाइगर जो है वो हाईली एडेप्टिव होती है, कहीं भी जाकर वो उस इन्वायरमेंट को अडाप्ट कर लेती है। अब देखते हैं कि इंटरनेशनल टाइगर कॉपरेशन में क्या क्या है। तो इंडिया जो है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है वो नेपाल के साथ, जिसके थ्रू जो ट्रांस बाउंड्री इलीगल ट्रेड होता है ना वाइल्ड लाइफ और कंजर्वेशन में, उसको यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए कहा गया है। साथ ही एक प्रोसेस है जो कि बायलेटरल प्रोटोकॉल है, वो भी बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार के साथ। एक ग्लोबल टाइगर फोरम है टाइगर रेंज कंट्रीज़ के लिए, जो कि यहाँ पे किस तरीके से हम लोग इंटरनेशनल इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे वो बनाया गया है, और ये रिलेटेड है हमारे टाइगर कंजर्वेशन से। ओके, अब यहाँ पे और है डू यू नो फैक्ट, जो कि रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में। एक टाइगर सब स्पीसीज है जो कि हमारी इंडिया की नेटिव है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान में पाई जाती है। इसको हम लोग IUCN के रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखें, और इसकी पॉपुलेशन का अगर हम लोग देखें तो 2500 से भी यहाँ पर कम बताई जा रही है। बंगाल टाइगर जो है नेशनल एनिमल है बांग्लादेश की, और पैंथेरा टिग्रिस जो है वो नेशनल एनिमल है हमारे इंडिया की। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक और एकदम से बहुत ही इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो कि ये आपकी बात हो जाती है। वहीं अगर बात करें तो और भी एक आपका फैक्ट है कि राजस्थान जो है वो फर्स्ट स्टेट है जो कि यहाँ पे प्रोजेक्ट लेपर्ड लॉन्च की है, जिसके थ्रू वो अपने स्टेट में जो लेपर्ड की पॉपुलेशन है उसको कंजर्व करने के लिए। ओके, साथ ही प्रोजेक्ट लेपर्ड जो है ना वो यहाँ पे स्टेट फॉरेस्ट मिनिस्टर के द्वारा चेयर किया गया और इसको इम्प्लीमेंट की गई है 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो कि राजस्थान में है। तो ये पूरी बातें रही आपकी प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। और जो लेटेस्ट रिपोर्ट होगा जब भी आप एग्ज़ाम दोगे, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर 2020 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, 2021 में देने वाले, या फिर इसके बाद भी देने वाले, तो उससे पहले अगर आपका प्रोजेक्ट टाइगर रिलीज़ होता है, कोई भी रिपोर्ट आती है, उसको अच्छे से पढ़िए और उसके बारे में ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, अब आते हैं हम लोग प्रोजेक्ट एलिफेंट पे। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट को 1992 में लॉन्च किया गया था, और ये भी आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो इस तरीके की जो प्रोजेक्ट होती है ना किसी भी एनिमल को कंजर्व करने के लिए, तो वो हमेशा आपको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम देखने को मिलेगी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर यहाँ पे फंड देती है, तभी इस तरीके के प्रोजेक्ट चलती है, और कॉपरेशन भी दोनों का चाहिए, तभी इस तरीके के प्रोजेक्ट को कंजर्व कर इस तरीके के प्रोजेक्ट में जितने भी स्पेशीज होते हैं उनको कंजर्व किया जा सकता है। साथ ही इसमें फ्री रेंजिंग पॉपुलेशन है वाइल्ड एलिफेंट की, और यहाँ पे इंश्योर किया जाएगा कि लॉन्ग टर्म सर्वाइवल हम लोग प्रोवाइड करें जितनी भी पॉपुलेशन है एलिफेंट के हमारे नेचुरल हैबिटाट में। ये जो प्रोजेक्ट है ये मेनली इम्प्लीमेंट हुई है 13 स्टेट में, जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तरांचल एंड UP एंड वेस्ट बंगाल। तो आप लोग जिस भी स्टेट से हो आप लोग समझ सकते हो कि अपने अपने स्टेट में आप लोग देख लीजिए कि वहाँ पे प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाई जा रही है कि नहीं। स्मॉल सपोर्ट जो है वो यहाँ पे महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के द्वारा दी जा रही है। ओके, स्टेट्स जो भी यहाँ पे फाइनेंशियल और साथ ही साथ टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं वो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए करते हैं। साथ ही यहाँ पे दूसरे स्टेट को भी प्रोवाइड करते हैं कि स्मॉल प्रोपोर्शंस जो आपका एलिफेंट का है वो यहाँ पे सेंसस के पर्पज से होनी चाहिए, फील्ड स्टाफ को ट्रेनिंग देनी है, और साथ ही साथ ह्यूमन एलिफेंट जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी यहाँ पे मिटिगेट करके चलनी है। साथ ही यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव वो यही है कि एलिफेंट को प्रोटेक्ट करनी है, उनके हैबिटाट को और कॉरिडोर को। कॉरिडोर कहते हैं कि जो भी आप लोग देखोगे कि यहाँ पे नेशनल पार्क होती है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है तो उसमें रोड होती है जिसमें कि एलिफेंट सब चलते हैं। ओके, उन लोग को वॉक करने के लिए भी तो रास्ता चाहिए ना, तो वो लोग वॉक करते हैं, जिसको हम लोग कॉरिडोर कहते हैं। यहाँ पे जो भी इशू है मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को उसको एड्रेस करनी है, डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट है उनको भी वेलफेयर देनी है। डू यू नो फैक्ट में बताया जा रहा है जो हिपोपोटामस है, वॉलरस है, नारवॉल है और मैमोथ है, राइनो है, ये मोस्ट कॉमनली एशियन और अफ्रीकन एलिफेंट है जो कि इनको पोच किया जाता है उनके आइवरी ट्रस के लिए। उनकी जो लंबी लंबी दांतें होती है ना एलिफेंट को मेनली उसी के लिए उसको पोच किया जाता है। ओके, इसका एम क्या है इस प्रोजेक्ट का, वो ये है कि इकोलॉजिकली रिस्टोर करनी है जो भी नेचुरल हैबिटाट है और माइग्रेटरी रूट है एलिफेंट की। साथ ही यहाँ पे जो भी हमारी कॉन्फ्लिक्शन आज के डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, उसको मिटिगेट करनी है। साइंटिफिक और प्लांट मैनेजमेंट मेजर्स यहाँ पे लेकर आना है जिसके थ्रू हम लोग एलिफेंट को कंजर्व कर सकेंगे। एलिफेंट को यहाँ पे प्रोटेक्ट करनी है पोचर से और दूसरे नेचुरल कॉजेज से जो कि उनकी डेथ हो सकती है, या फिर इलीगल इवॉरी जो ट्रेड है उसको भी हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। रिसर्चिंग कर सकते हैं इश्यूज जो भी यहाँ पे एलिफेंट से रिलेटेड है, और पब्लिक अवेयरनेस यहाँ पे क्रिएट करनी है, लोगों को यहाँ पे एजुकेट करनी है, एलिफेंट की इंपॉर्टेंट बतानी है। इको डेवलपमेंट और वेटनरी केयर यहाँ पे एलिफेंट को प्रोवाइड करनी है। इसकी एम है कि हम लोग यहाँ पे हेल्थ एलिफेंट की हेल्थ केयर को मेंटेन करें और यहाँ पे उनकी ब्रीडिंग को भी।
एलिफेंट रिजर्व्स अगर इंडिया की देखनी है तो आपको अपेंडिक्स देखनी होगी, तो वो मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। अब यहाँ पे एलिफेंट कॉरिडोर की बात करते हैं। एक ऐसा कॉरिडोर होता है, नैरो स्ट्रिप होती है फॉरेस्ट एरिया में, जिसमें कि ये कनेक्ट करती है लार्जर हैबिटाट को, यहाँ पे एलिफेंट की पॉपुलेशन से ये कनेक्ट करती है, और आराम से जितने भी एलिफेंट होते हैं वो यहाँ पे अपना घूमते टहलते रहते हैं। यहाँ पे टोटल आपको इंडिया में 88 आइडेंटिफाइड एलिफेंट कॉरिडोर देखने को मिलेगा। इसमें से टोटल जो है 20 आपको साउथ इंडिया में देखने को मिलेगी, 12 नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में है और 20 सेंट्रल इंडिया में है। साथ ही 14 की बात करें तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल में है, और 22 की बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में है। ओके, तो ये सारी जगह आपको इतना थोड़ा छोटा मोटा ध्यान में रखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही आप लोग देखोगे तो 77% जो ये यहाँ पे आपका है कि एलिफेंट के द्वारा इसको रेगुलरली यूज़ किया जाता है। 1/3 जो है वो इकोलॉजिकली हाई प्रायोरिटी है, और रिमेनिंग जो 2/3 है वो यहाँ पे मीडियम प्रायोरिटी है। यानी कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कितना यूज़ किया जाता है कॉरिडोर, इसके बारे में बताया गया है। साउथ इंडिया की बात करें तो 65% जो कॉरिडोर है वो यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया में है और रिजर्व फॉरेस्ट में है। 90% जो सेंट्रल इंडिया है वो यहाँ पे ज्वाइन की गई है फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर और सेटलमेंट में, और सिर्फ 10% है जो कि कम्प्लीटली यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया के अधीन है। नेशनली अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ यहाँ पे 24% कॉरिडोर्स है जो कि यहाँ पे कंप्लीट फॉरेस्ट एरिया के अंदर में आते हैं। ओके, तो यहाँ पे तो ये बात हो गई एलिफेंट कॉरिडोर की, लेकिन एलिफेंट कॉरिडोर को काफ़ी थ्रेट देखने को मिलता है, क्योंकि आप लोग को पता है कि लोग को आजकल कहाँ भी जहाँ भी जगह मिलता है तो वहाँ पर वो अपने फ़ायदे की काम करने लगते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ पर एलिफेंट की जो कॉरिडोर है उसी के अगल बगल माइनिंग करने लगते हैं, वहीं पर आपको इंडस्ट्री सेटअप करते हुए देखने को मिलेंगे। इससे क्या होता है कि जितने भी एलिफेंट है वो आसानी से चल नहीं पाते, और उनके अगर कॉरिडोर को आप नष्ट कर दोगे तो जैसे कि वो चलने के लिए रोड पे आ जाएंगे या फिर कोई टाउन में घुस जाएंगे, सिटी में घुस जाएंगे। तो ऐसे आप लोग को कई बार न्यूज़ देखने को मिला होगा कि जो टाइगर होते हैं, लेपर्ड होते हैं, जितने एलिफेंट्स वगैरह होते हैं, वो किसी सिटी में घुस जाते, घर में घुस जाते, गाँव वगैरह में घुस जाते, क्योंकि उनकी जो एक्चुअली रहने का जगह है और जो एक्चुअली उनकी कॉरिडोर का जगह है वो लॉस हो चुका है। तो ऑब्वियस है कोई भी जीव जंतु हो, हम लोग जैसे एक ही जगह बैठे रहेंगे तो बोर हो जाएंगे, हम लोग को भी चलने की ज़रूरत है, फिज़िकल एक्टिविटी होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें, और आज के डेट में जो एलिफेंट कॉरिडोर वो बहुत ज़्यादा थ्रेट में जाते जा रहा है। कोल माइनिंग और आयरन ओर है जो कि माइनिंग है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा थ्रेट देखने को मिलेगा एलिफेंट की कॉरिडोर में। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ है जहाँ पे मिनरल रिच स्टेट है, और यहाँ पे कहीं भी अगर आप मिनरल का पता चलता है तो वहीं पे लोग खुदाई करने लगते। तो ये सारी प्रॉब्लम है जिसके कारण जो है हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे थ्रेट काफ़ी देखने को मिलता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, जो कि यहाँ पे डू यू नो फैक्ट है, व्हाइट टाइगर्स जो है ना, इसको हम लोग सब स्पीसीज से सेपरेट नहीं कर सकते, बट ये सिर्फ वाइट कलर में होता है क्योंकि इसकी रिसेसिव जीन्स के कारण, यानी कि जीन के कारण जो है टाइगर में जो है ना आपका वाइट कलर होता है, और जो मेनली आपका जो टाइगर का कलर है उससे वो बस कलर में ही डिफरेंट होता है, बाकी और किसी चीज़ में डिफरेंट नहीं होती है। ओके, अब मिटिगेशन की बात करें तो यहाँ पे जो कॉरिडोर है उसको हम लोग को नियर बाय जो प्रोटेक्टेड एरिया है उससे हम लोग को कनेक्ट करना चाहिए। किसी और अदर केसेस में अगर देखें तो यहाँ पे जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है उसको डिक्लेयर कर देना है कि ये सेंसिटिव एरिया है और कंजर्व एरिया है, यहाँ पे किसी भी लोगों को एंट्री की परमिशन नहीं दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है, तभी हम लोग के लोग जो है वो समझ पाएंगे और हमारी जो पॉपुलेशन है एलिफेंट की वो सिक्योर हो पाएगी और कॉरिडोर भी सिक्योर हो पाएगी। एक आपका यहाँ पे माइक प्रोग्राम लाया गया था जिसको कहते हैं मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, तो गलत तरीके से एलिफेंट को मारा भी जाता है उनके बड़े बड़े दांतों के लिए। तो ये भी आपका यहाँ पे एक प्रोग्राम लाया गया था जिसका यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो भी इलीगल हंटिंग होती है एलिफेंट की तो इसको यहाँ पर रोकना है। साथ ही यहाँ पर जो भी चेंजेस हो रही है ट्रेंड डे बाई डे, टाइम टू टाइम, उसको भी यहाँ पर देखना है। ओके, तो माइक प्रोग्राम के बारे में आप लोग कहीं से भी मेंशन कर सकते हो अगर प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में आप लोग लिख रहे हो। फिर एक और है हाथी मेरे साथी, ये भी एक कंपेन चलाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट अफेयर्स के द्वारा और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट के द्वारा इसको चलाया गया था। यहाँ पे क्या था कि जो कंजर्वेशन है वो और वेलफेयर प्रोस्पेक्ट है एलिफेंट की उसको इम्प्रूव करना है इंडिया की नेशनल हेरिटेज एनिमल के तहत। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये कंपेन भी आपका 2011 की है, तो इतना आपको डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक और कंपेन था गजू, ये मास्कोट था। तो कंपेन जो है यहाँ पे फोकस कर रही थी कि वेरियस टारगेट ऑडियंस ग्रुप, जैसे कि लोकल यहाँ पे जो नियर एलिफेंट हैबिटेट रखते हैं, यूथ है, पॉलिसी मेकर्स है, तो उनके लिए इस तरीके का आपका कंपेन चलाया गया था। एक अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेन चलाया जाता है, लोगों को बताया जाता है कि इस तरीके के स्पेसिस को नहीं मारना चाहिए, इनकी क्या यहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो
ये सब प्रोग्राम का नाम याद रख लीजिए, क्योंकि अभी रिसेंटली नहीं है तो इससे क्वेश्चंस पूछने की चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, और अगर आप लोग नहीं भी पढ़ते हो तो इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आपकी आती है E50-50 फोरम, तो E8 कंट्रीज़ है जो कि यहाँ पे डिसाइड की थी कि फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होगा, वो भी E50-50 में, और ये 2013 में हुई थी। तो इंडिया यहाँ पे कॉमन गोल अचीव की थी कि किस तरीके से यहाँ पे कंजर्व करना है, मैनेज करना है, और एलिफेंट के वेलफेयर के लिए, वो भी सारे 8 कंट्रीज़ में। ओके तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कि आपको पता होनी चाहिए। ओके सो गाइस, आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग वल्चर स्टार्ट करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेसन में स्टार्ट करेंगे। ये भी लेसन हम लोग बहुत ही जल्दी यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, तो बहुत ही जल्दी आपकी ये बुक भी कंप्लीट हो जाएगी। आप लोग परेशान मत होइए, और मेक श्योर, मैं तो आपको गारंटी देती हूँ कि आपके एग्जाम के पहले ये मैं बुक आपको कंप्लीट करा दूंगी। ओके सो गाइस, आज के लिए बस इतनी ही। अगर लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर सकते हैं, और फिर भी कोई डाउट करें, सजेशन है तो आप कमेंट कीजिए, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।